हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम लेक्चर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सेल के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सेल का दो टाइप्स होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इस दोनों सेल के जो टाइप्स है, इसमें हम लोग मेनली रूप से अंतर पढ़ेंगे कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहा जाता है और यूकैरियोटिक सेल किसको कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेल के ये दो टाइप्स होता है। सेल के सिर्फ दो ही टाइप होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल जो है, ये दो शब्द से मिल के बना है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या चीज़ होगा? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब हिंदी इसका होगा पुराना। क्या चीज़ होगा? पुराना। और देखिए, कैरियोटिक का मतलब यहाँ से होगा, कैरियोटिक का मतलब होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हिंदी होता है केंद्रक। क्या चीज़? केंद्रक। अब ध्यान दीजिए, यहीं से इसका अर्थ बन के निकलेगा प्रोकैरियोटिक। ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक दो शब्द से मिल के बना है। प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, जिसका हिंदी अर्थ होता है पुराना। कैरियोटिक का मतलब हो गया न्यूक्लियस, हिंदी में इसको केंद्रक कहते हैं। तब हम इसका अर्थ कैसे निकालेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहा जाता है? तो इसका अर्थ निकलेगा कि ऐसा कोशिका, क्या चीज़? ऐसा कोशिका जिसका केंद्रक पुराना हो। ऐसा कोशिका जिसका केंद्रक क्या चीज़ हो भैया? पुराना हो। केंद्रक पुराना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। तो ये एक नंबर और सबसे बड़ा अंतर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या हो गया कि ऐसा कोशिका जिसका केंद्रक न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, वो पुराना हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब देखिए, यूकैरियोटिक क्या सेल पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक, यू का मतलब यहाँ पे हो जाएगा न्यू। क्या चीज़? न्यू का हिंदी होता है नया। क्या होगा? नया। और कैरियोटिक का मतलब होइबे करता है आपका क्या चीज़? न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, हिंदी में केंद्रक। अब देखिए, इसको कैसे हम लोग कहेंगे? ऐसा कोशिका जिसका केंद्रक नया हो। नया कहने का मतलब कि एकदम न्यू हो, मैच्योर हो। क्या चीज़ हो? मैच्योर हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कि किसका केंद्रक मैच्योर होता है? तो वो होता है यूकैरियोटिक सेल का। किसका केंद्रक मैच्योर यानी परिपक्व नहीं होता है? तो होता है प्रोकैरियोटिक का। और यूकैरियोटिक का क्या होता है? मैच्योर होता है। तो ये एक नंबर डिफरेंट था और सबसे बड़ा अंतर यही था कि इसका अर्थ से ही एक नंबर में निकल गया। दूसरा हम लोग डिफरेंट जानेंगे कि देखिए, जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ये क्रॉस का चिन्ह मतलब नहीं होता है, जबकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? इसमें नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, इसमें होता है। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या चीज़ काम है? आखिर क्यों इसमें होता है, इसमें क्यों नहीं होता है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको ऊर्जा घर कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ये किस में होता है? यूकैरियोटिक सेल में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। और तीसरा है सबसे बड़ा इसका डिफरेंट कि इसमें राइबोसोम होता है, लेकिन राइबोसोम दो प्रकार के होता है, 70S और 80S। इसमें 70S वाला होता है और इसमें क्या होता है? 80S वाला होता है। 80S वाला।
देखिए तीन डिफरेंट बता दिए आप लोग को प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले हम लोग टॉपिक का है टाइप्स ऑफ सेल, यानी सेल के प्रकार, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो हम लोग समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका किसको कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका हम उसे कहेंगे जिसका क्या हो, केंद्रक न्यूक्लियस पुराना हो उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक, जिसका केंद्रक न्यूक्लियस नया हो उसको कहेंगे यूकैरियोटिक। दूसरा डिफरेंट पढ़े कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है, तो यूकैरियोटिक में होता है, किस में नहीं होता है तो प्रोकैरियोटिक में। और तीसरा पढ़े कि राइबोसोम दोनों में होता है, लेकिन अंतर इतना है कि जो प्रोकैरियोटिक पुराना वाला है उसमें 70S होता है और जो नया है उसमें 80S होता है। और चौथा डिफरेंट हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो है ये एक बैक्टीरियल सेल है। क्या चीज़ है, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल कहने का मतलब कि ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में, जिसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। और जबकि ये जो यूकैरियोटिक है एनिमल सेल है, किया है एनिमल सेल है। एनिमल सेल कहने का मतलब कि जंतु सेल, हम लोग में कैसा सेल पाया जाता है। अब समझो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग में कैसा सेल पाया जाता है, किस टाइप के सेल पाया जाता है। सेल के दो टाइप से, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। हम लोग में कौन सा कोशिका पाया जाती है दोनों में से, तो जंतु में हम लोग आते हैं एनिमल में, तो कहेंगे कि हम लोग में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। जबकि बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल। एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, प्लांट में भी क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक पाया जाता है। एल्गी, एल्गी फंगी इस सब में क्या पाया जाता है, ये सब में भी क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो ये चार मेजर डिफरेंट है। इसके बाद भी बहुत सारा डिफरेंट है कि इसमें रफ, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, इसमें होता है। और यह सेल का जितना भी लगभग पार्ट है इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है, इसमें होता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि इसमें न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, इसमें होता है। तो उसको नहीं छोड़िए, वो सब बाद में। ये चार मेजर डिफरेंट, यानी कि मेन डिफरेंट था, मेन अंतर था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। सबसे एक नंबर में था प्रोकैरियोटिक के, कि इसका अर्थ समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक कहते किसको है। तो प्रो का मतलब हो गया हम लोग का प्रिमिटिव, इसका हिंदी मतलब होता है पुराना, पुराना। और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं। ऐसा केंद्रक, ऐसा सेल जिसका केंद्रक पुराना हो उसको प्रोकैरियोटिक कहेंगे, और ऐसा सेल जिसका केंद्रक नया हो उसको कहेंगे यूकैरियोटिक। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें होता है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक किसमें पाया जाता है, तो एनिमल सेल में। एनिमल सेल हम लोग आते हैं प्रोकैरियोटिक में, बैक्टीरियल सेल पाया जाता है। तो आशा करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मेजर डिफरेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।